आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ गाड़ी से। हम कहीं जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली पॉश के शोरूम में। और वो हम पॉश के शोरूम में क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको वहां जाके बताऊंगी। ऐसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है बट उसके पीछे स्टोरी है, तो चलो चलते हैं साथ में, फिर मैं बताती हूँ। हम लोग आज अपनी कार पर पेंट प्रोटेक्शन करा रहे हैं। दिस पेंट इज रियली कॉस्टली एंड वी पेड अ लॉट ऑफ टू गेट दिस पेंट। सो देयर आर थ्री कलर्स फॉर व्हिच यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। This one, lava red, and this one more. And so, other colors are free. गाड़ी हो गई है चेंज दो दिनों के लिए। और ये कौन सी केमिन? और ये है पोर्शे केमिन। एंड अंदर से ऐसा लग रहा है एकदम टॉय का है ना, काफी पास पास है मैं और आशीष यार। ये उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी फील आती है यू नो। और चलाने में तो दोनों ही अच्छी है, ये थोड़ा और वैसी लगती है, छोटी सी है ना इसलिए। बाकी इंजन शायद इससे ज्यादा पावरफुल हमारी गाड़ी में, एंड दैट इज फोर सीटर एज वेल। पर इसी एग्जॉस्ट साउंड मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या इसका एग्जॉस्ट साउंड अच्छा लगा? हाँ, एग्जॉस्ट साउंड इसका बहुत अच्छा। हमारी कार, हम लोग अब बैठे हैं गाड़ी में और जा रहे हैं फ्रैंकस्टन। किसी से मीटिंग है हमारी और बहुत ब्यूटीफुल है यार फ्रैंकस्टन, मॉर्निंगटन वाला एरिया। फ्रैंकस्टन के बाद वी डिसाइडेड कि हम लोग मॉर्निंगटन में जाके ब्रंच करेंगे। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितने प्रिटी माउंटेन पे, नहीं यहाँ पे देखो घर बने हुए हैं, माउंटेन के पास घर है, इधर बीच है और ये देखो है ना ब्यूटीफुल है ना, कितना प्रिटी, ऐसे घर हो और सामने बीच हो, लाइफ एकदम ब्लिसफुल रहे अगर ऐसी लोकेशन हो। ओनली थिंग इज ये थोड़ा सा सिटी से दूर पड़ जाता है, बट वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ मेलबर्न है ये। और हम लोगों ने कार चेंज इसीलिए करी है क्योंकि हमारा पेंट प्रोटेक्शन होना है पॉश पे। अब पॉश, जब हमने पॉशे ली थी कयान कूपे एस, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार इन ऑस्ट्रेलिया जो लैंड हुई थी वैसे स्पेसिफिकेशन में। और हमारी गाड़ी बहुत इसीलिए भी स्पेशल है बिकॉज वो पहली कार थी ऑस्ट्रेलिया में और वो नया मॉडल है कयान कूपे एस का। और उस पर पेंट प्रोटेक्शन लगवाना था आशीष को बहुत टाइम से, बट लॉकडाउन की वजह से हम लोग पहले नहीं कर पाए। गाड़ी की डिलीवरी तो हम लोगों को मार्च में हो गई थी, बट वही था कि टाइम नहीं लग पाया ऊपर से अपॉइंटमेंट और सारा कुछ। तो अब हम लोगों को पॉशे ने पेंट प्रोटेक्शन करके देना है, प्लस उन लोगों ने हमें दो दिन के लिए टू सीटर कार दी है ताकि हम लोग टेस्ट ड्राइव करके इसके भी मज़े ले सकें। क्योंकि उन्होंने ओवरहर्ड कर लिया था कि आशीष मुझे कन्विंस कर रहा था कि मैं अपने BMW X4 को बेच दूँ और मैं एक टू सीटर खरीद लूँ। तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है गाइज, मतलब जो भी है उनकी पॉशे की सर्विस A1 है, बहुत हाई क्लास सर्विस है। कितनी बार हम लोगों को पॉशे से कभी क्लास सेट, कभी छोटे मोटे गिफ्ट्स आते रहते हैं। एंड वी रियली ग्लैड कि हम लोगों ने पॉशे डिसाइड करी, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कार। और पॉशे डिसाइड की, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड। इसको काफ़ी शौक है कार्स का, मुझे इतना ज़्यादा नहीं है और इसीलिए वो मुझे कन्विंस करता रहता है कि अब मैं अपना बर्थडे एनिवर्सरी उसका गिफ्ट करके अब ये टू सीटर के लिए कंसिडर करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है यार, आई लव माय X4, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर, यू नेवर नो, नेवर से नेवर।
हमारी जब भी मीटिंग अगर फ्रैंकस्टन की तरफ होती है तो वील प्रिफर कमिंग हियर एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन मेलबर्न. और आज इतना अच्छा लग रहा है कि कोई भी नहीं है यहाँ पे. एज यू कैन सी लाइक हार्डली एनी कार्स, बोलते एक गाड़ी आ गई. और ये है वो रही मेलबर्न सीबीडी. दिख रही शायद कैमरे में नहीं दिखेगी. नहीं दिखेगी रियली हार्ड. नहीं, अगर आप वहाँ देख सकते हो तो दैट्स अ मेलबर्न सीबीडी. नहीं दिख रही शायद वीडियो उस पर दिखाई देगी फोन है ना. मुझे अभी पता लगा मेरी ड्रेस में पॉकेट भी है एंड आई लव ड्रेसेस जिसमें पॉकेट होती है. और ये है सोरेंटो है ना, यहाँ तक फेरी भी जाती है. और वो फेरी कहाँ से जाती है आशीष? क्वींस क्लिफ से फेरी जाती है और वो उस तरफ सोरेंटो की तरफ जाती है. और हम लोग अभी टॉप पे हैं मेलबर्न के तो. और मेलबर्न सीबीडी बहुत दूर है यहाँ से विक्टोरिया का. लाइक ये काफ़ी प्रिटी सबर्ब है एंड इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव इन मेलबर्न. और ये घर जितने भी आपको बीच फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं इधर, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और हम लोग अभी आए हुए हैं मुरे लुकआउट पॉइंट पे. एक और लुकआउट पॉइंट है यहाँ का, वो भी बहुत अच्छा है. और आज ठंड नहीं है, मतलब वेदर काफ़ी प्लेजेंट है ना. धूप है, धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है. सो इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर. और अच्छी सी ठंडी ठंडी सी थोड़ी सी हवा चल रही है, वो भी 28 के टेम्परेचर पे. घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और यहाँ पर आज इतनी भीड़ नहीं है बिकॉज इट्स अ वीक डे, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है. ये है टू सीटर जो हमको पॉश से मिली है 2-3 दिन के लिए, तब ये हमारी मेहमान है 2 दिन के लिए. क्यूट क्यूट से कैफेज है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में. सुंदर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, काफ़ी लेट हो गया है. नवे को भी पिकअप करना है, बस अब भाग रहे हैं हम लोग घर की तरफ. और जल्दी से करते हैं नवे को पिकअप, फिर घर जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ और नवे को भी मिलाती हूँ. और आज का दिन बहुत ही भाग दौड़ भरा और बहुत रश रश में था. बट आई होप आप लोगों को ये मॉर्निंगटन वाली ड्राइव पसंद आई हो और आपको वहाँ से सिटी के नज़ारे भी अच्छे लगे हो. सो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वो मॉर्निंगटन वाला पूरा लुक ऊपर से माउंटेन टॉप से. और अब चलते हैं जल्दी से नवे को पिकअप करेंगे और फिर घर जाएंगे. और नवे को पिकअप करने से पहले गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इस वाली कार में हम नवे को पिकअप नहीं कर सकते. तो आशीष गोइंग टू ड्रॉप मी एट होम फर्स्ट, देन आई विल मेक अ टी और कॉफ़ी और उसके बाद जाके आशीष नवे को पिकअप करेगा. और आपकी दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताना. मैंने कल मिठाई बनाई है और इतने अच्छे बेसन के लड्डू बनाए ना, माइंड ब्लोइंग. आप लोगों को दिखा दूँ मैं कैसे बनाई. यस, वे बैक एट होम. आशीष ले आया था नव्या को स्कूल से और आके मैंने चढ़ाने रख दी अपनी चाय. और नव्या कम यार से हाय. और नव्या ने आते ही मिठाई खा ली. हम लोगों ने दिवाली के लिए मिठाई का ऑर्डर देने गए थे, वहाँ से मिठाई भी लेके आए और नव्या ने आते ही मिठाई खा ली. हालांकि इसको काजू कतरी इतनी सूट नहीं होती पर इसको पसंद वही है, काजू वाली मिठाई. यू लाइक मिठाई? द काजू वन. या व्हिच वन इज योर फेवरेट? काजू. काजू वन. काजू से तुमको अच्छा नहीं लगता ना? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे इन स्कूल? हेलो. हेलो फ्रेंड. हाय डॉगी. हेलो डॉगी. नोनू के डॉगी को भी हेलो बोल दो है ना. किसने दिया है डॉगी? मौसी. नो. हु? रियांच. हु गिव यू दिस डॉगी? रियांच. रियांच इज योर फ्रेंड? या. नव्या के फ्रेंड ने उसको दिया है डॉगी बर्थडे पे, क्यूटी क्यूटी. और नव्या जब से लेके बैठी हुई है. सो थैंक यू रियांच है ना. यस. तो अब आ गए घर पे, इसको मैं नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ, दिवाली की तैयारियाँ करनी है और फाइनली गुड न्यूज, मुझे क्लीनर मिल गया है. यस. नव्या अपने बलून्स निकालने नहीं दे रही है बर्थडे के, और जब तक लगता है सारे फूट नहीं जाएंगे या तो हम सारों को पॉप नहीं कर देंगे वो नहीं निकालने देगी. हैप्पी दिवाली. यस. हैप्पी दिवाली. यस. नव्या इज सो एक्साइटेड फॉर दिवाली. शी इज गोना वेयर इंडियन न्यू ड्रेसी. यस. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. जब तक के लिए बी हैप्पी. Be happy. Be healthy. And be safe. Safe.
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में. आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म. एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस. एंड आई विल सी यू सून. एंड जब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. सी यू सून गाइस. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. है ना, से सब्सक्राइब. Subscribe to our YouTube channel. Hello. Bye bye, Kadu. Happy birthday, Nami. Oh my God, my birthday is gone, Navya. But for your wishes, you can wish me every day. Yum. Yum. Tum itni sweet ho. Hmm? You are very naughty. Yes. Yeah, yes. I am sweet. You are sweet. Yeah. आजकल इसकी कुछ ज़्यादा ही है ना words और प्यार भरे बातें निकलने लग गई है. वुफ वुफ. I'm not a baby. Okay, दादी अम्मा. No, I'm not a daddy. So, you are not a baby. Then who are you? I am a. Do you like my dress? Yeah. You like my dress? Yes. प्लीज मुझे बताना आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है. ओके, सो बाय 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 बाय.